आगामी लोकसभा चुनाव के लिए खुद मोदी शाह ने कसी कमर। 2019 के लिए मोदी शाह ने कौन सा मेगा प्लान बनाया है? 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। एसपी बीएसपी गठबंधन और दोहरी एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को महसूस करने के बाद बीजेपी यूपी नेतृत्व के भरोसे रहने के मूड में नहीं। यही वजह है कि यूपी को मथने का जिम्मा खुद मोदी शाह की जोड़ी ने उठाया है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के गांव में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम बना रहे हैं। प्रदेश में संगठनात्मक लिहाज से पार्टी के 6 क्षेत्र हैं। ऐसे में शाह हर क्षेत्र में कम से कम 2 गांव में रात्रि विश्राम का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। इस दौरान शाह केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर चर्चा के साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भी सूबे में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ने से पहले ही पीएम मोदी यूपी में मोर्चा संभाल लेंगे। खबरों की माने तो पार्टी विकास योजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रमों के जरिए यूपी में मोदी के नियमित दौरों की योजना बना रही है। दरअसल उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी यूपी को लेकर बेहद संजीदा है। पिछले चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने यहां की 80 में से 73 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर यूपी में संख्या अधिक घटी तो फिर इसकी भरपाई कहीं और से करनी मुश्किल है। उत्तर भारत में बीजेपी अपने चरम पर है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में अपेक्षित विस्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में बीजेपी के लिए यूपी सबसे अहम है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी ने 2013 में ही यूपी में विजय शंखनाद रैली शुरू कर दी थी। इसके अलावा यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2015 के आखिर से ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए मोदी की नियमित जनसभाएं शुरू हो गई थी। अब 2019 में भी पार्टी अपने सफल प्रयोग को आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी शाह की जोड़ी इस बार भी यूपी को मथने में कामयाब होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।